हेलो नमस्कार, द होप टर्म में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं मीन राशि यानी पाइशंस के लिए। देखते हैं कि मीन राशि के लिए फरवरी 2023 का महीना क्या सब लेके आ रहा है, कैसा रहेगा आपका फरवरी 2023। तो सबसे पहले देखेंगे मीन राशि की आपकी ओवरऑल एनर्जी इस महीने में कैसी रहने वाली है, आपका ध्यान इस महीने में किन चीजों पर रहेगा, किस एनर्जी में आप लोग रहेंगे फरवरी के महीने में। लेट्स चेक। ओके, वी हैव इनडिसिशन। सो बहुत ज्यादा कहने को कुछ भी नहीं है, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं इस महीने। कुछ कर्मा आपको ब्लॉक करेंगे इस महीने में, ठीक है। आठ नंबर की एनर्जी है, आठ नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपका जन्मांक मूलांक डेट ऑफ बर्थ हो सकती है एंड ब्रोकन हार्ट। ओके, नंबर एट या नंबर नाइन। मुझे लग रहा है जैसे ब्रोकन हार्ट यहाँ ऐसा नहीं है कि आपका दिल टूट जाएगा फरवरी के महीने में, नहीं मीन राशि। मुझे यहाँ पे ये जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है ये एक मैसेज दे रहा है, क्योंकि ये असेंडिंग नंबर्स में आया है। मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ने से इसलिए डर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि कहीं आपका दिल ना टूट जाए, ठीक है। कुछ कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, कुछ चॉइसेस हैं आपके पास, लेकिन आपको डर लग रहा है उन्हें ग्रैप करने में, बिकॉज आपको लगता है कि अगर आपने उनको लिया तो आपका दिल टूट जाएगा या आपको आपके साथ अच्छा नहीं होगा, आप गलत कर रहे हो। ये वो डर, वो फियर्स जो हैं, वो एक भविष्य देख लेना और गलत सोच लेना, मे भी आपसे किसी ने कह दिया, आपने रीडिंग ली हो, आपसे किसी ने कह दिया हो कि ये तो आपका काम नहीं बनेगा, और वो चीज से आप इतना घबरा गए हो, इतना डर गए हो कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इसके अलावा ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपका ये इंडिसिशन किसी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, क्योंकि पहले आपका कभी दिल दुखा था, क्योंकि अभी तक आपने अपने दिल को हील नहीं किया है, अपने हार्ट को हील नहीं किया है, तो यू आर अफ्रेड कि फिर से ये चीजें नहीं हो, मुझे परेशानी ना हो, मुझे डर लग रहा है। सो मैं आपको यही सिचुएशन में देख पा रही हूँ फरवरी में, कि आप किसी भी चीज में आगे एक प्रोसीड नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको अपने आप को हर्ट करने से डर लगेगा, आपको लगेगा मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। कुछ लोगों के लिए जो मीन राशि के लिए हैं, डेफिनेटली एक चॉइस नहीं है, दो रास्ते हैं, किस रास्ते को चूज करना है ये बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर है। पूरा फरवरी का महीना इसी सिक्वेंस में जा सकता है कि ऑप्शन नंबर ए अच्छा है या बी अच्छा है। ये आपकी एनर्जीज हैं, मैं नहीं जानती कि आप इन एनर्जीज में किस इवेंट्स की वजह से पहुंच रहे हो अभी तक, क्योंकि हमने अभी टैरोज नहीं देखे हैं, बट इस सिचुएशन में मैं जो हमेशा गाइडेंस देती हूँ वो मैं आपको अभी देना चाहूंगी मीन राशि, और वो ये कि चाहे आप ऑप्शन ए चुने चाहे आप ऑप्शन बी चुने, दोनों में ही 50% फेल होने के चांसेस है और 50% पास होने के चांसेस है, यानी 50% आपका डिसीशन आपके हक में हो सकता है और 50% आपके ना हक में हो सकता है। और आप कहोगे कि ये कैसे पता कि 50% है, भाई आप उसके प्रोन और क्रोन्स लिख लीजिए अपने पेपर पे, तो आपको पता चल जाएगा कि इससे मुझे ये मिल जाएगा और ये चला जाएगा और इससे मुझे ये मिलेगा और ये छूट जाएगा। सो कहीं ना कहीं जब हम चॉइसेस लाते हैं अपनी जिंदगी में तो डर भी रहे हैं और चॉइस भी मान रहे हैं उसको, तो इसका मतलब कुछ तो पॉजिटिविटी उसमें है, तो 50% वो अच्छा है, 50% बुरा है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम खड़े होकर के ये तो सोचते हैं कि यार 50% गलत ना हो जाए ए में, 50% गलत ना हो जाए बी में, हम ये परेशान होते होते ये सोचना भूल जाते हैं कि अगर हम खड़े रहे तो 100% ही हम फेल है, isn't it? आप समझ पा रहे हैं कि इस पर्सन को, इस कार्ड को देखिए ध्यान से, ये पर्सन है एक, इसको यहाँ भी जाना है, इसको यहाँ भी जाना है, वो नहीं डिसाइड कर पा रहा कि उसको यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है, बट वो जहाँ खड़ा है वहां पे तो ना उसको ये इसका 50% भी नहीं मिल रहा, इसका 50% भी मिल रहा, यानी ये तो जीरो पे है। सो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये 50% का बैगेज ले लेना है या यहाँ जीरो पे रहना है, क्योंकि कुछ ना से तो कुछ अच्छा। मान लीजिए कि यहाँ पे काम नहीं बना आपका, आप वापस आ सकते हो जीरो पे, जीरो पे खड़े रहने से क्या मतलब, एक्सपीरियंस तो मिलेगा, और क्या पता हम नेगेटिव ही क्यों हो, क्या पता ये डायरेक्शन सही निकल जाए, तो आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थोड़ा बहुत रिस्क आपको अपनी जिंदगी में जो है वो लेना चाहिए मीन राशि, और इस तरीके से सोचेंगे तो शायद इस कंफ्यूजिंग चीज से निकल जाएंगे। ओके, लेट्स सी और क्या सब हो रहा है। अब मेन एनर्जी देख लेते हैं आपकी, जो मास्टर कार्ड है आपका इस महीने का,
मीन राशि के लिए मास्टर कार्ड। वाओ, मैनिफेस्ट करो मैनिफेस्ट करो, सब कुछ मिलेगा। ब्यूटीफुल एनर्जी, मुझे लग रहा है जैसे आप में से काफी लोगों के मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो सच हो रहे हैं इस महीने, और आपको आप ही के मैनिफेस्टेशंस डरा रहे हैं। आपके पास जो चॉइसेस आएंगी इस महीने फरवरी में मीन राशि, वो आप ही ने कभी ना कभी मांगी थी, लेकिन मेरे ख्याल से आप ही उनसे घबरा रहे हो, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि कहीं आपके मैनिफेस्टेशंस में भी कोई झोल तो नहीं, कहीं आपके मैनिफेस्टेशंस आगे जाके आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर देंगे, ऐसे कैसे मिल गया मुझे जो मुझे चाहिए था, तो वो वाली इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस महीने आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वही आपको मिलेगा। सो समझ के मांगे भगवान से, मैनिफेस्ट कीजिए, और यस इंतजार कीजिए उस चीज का आपकी लाइफ में आने का, क्योंकि बिल्कुल वो चीजें पॉसिबल हैं। और अपने मैनिफेस्टेशन से घबरा जाते हो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो और फिर खुद ही उसको उससे डरने लग जाते हो, अगर ऐसी किसी चीज में बाउंड हो तो प्लीज अपनी हीलिंग करो। आपको हार्ट चक्रा की हीलिंग करनी चाहिए, आप हार्ट चक्रा आपका वीक है, बट यहां तो मुझे यही दिख रहा है विद दिस मजिशियन एनर्जी की कुछ बहुत बढ़िया जो आपने कभी सोचा था, जो आपने चाहा था, वही आपको मिलने वाला है। फिर किस बात का कंफ्यूजन है, फिर किस बात का डर है, लेट्स सी। मीन राशि के लिए फरवरी 2023। ऑलराइट, फोर ऑफ कप्स। तो जो मिल रहा है वो चाहिए नहीं, और जो नहीं मिल रहा है उसकी जिद आपने पकड़ रखी है। यस, बिल्कुल, आपको एक ऑफर आएगा इस महीने फरवरी में। ये लव ऑफर हो सकता है, ये करियर के लिए या फाइनेंसिस का ऑफर हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, हेल्थ का ऑफर हो सकता है, आपकी हेल्थ सुधर जाए, किसी भी सिचुएशन में आपको एक ऑफर मिलेगा। यूनिवर्स वो खुद आपको दे रही है, मीडियम कुछ भी हो सकता है, बट आप उसे नहीं लोगे, आप उसे मिस कर दोगे शायद, क्योंकि आप अलग ही जोन में हो, आप अलग ही ट्रिप पे हो। मेन राशि, आपको कुछ और चाहिए अपनी जिंदगी से। ट्रैवल कर रहे हो कहीं, ठीक है, न्यू लव आपकी जिंदगी में आ सकता है, न्यू नया प्यार, नया फ्रेंड, नए लोग जो कि आपको इमोशनली सपोर्ट करें, जिनके साथ आप घूमने जा सकते हो, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है। फैमिली के साथ बहुत अच्छे जो हैं आपके कॉन्टेक्ट्स होंगे। सन आ गया यहाँ, और क्या चाहिए, तो फैमिली में कुछ बहुत बढ़िया आपको अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया रीडिंग है ये। ये जो आपकी एनर्जी है ना कंफ्यूजन की, वो मैंने पहले कह दिया, आपका दिल नहीं टूट रहा है, आपको लग रहा है कहीं टूट ना जाए, तो आपके पास तो नए ऑफर ही आ रहे हैं, आपको तो इमोशंस ही मिल रहे हैं, बट आपके इमोशंस इतने ओवरफ्लो हो रहे हैं, और कुछ पास्ट में या तो ऐसा हुआ है, या आपने किसी से कुछ सुन लिया है, या आपके मैनिफेस्टेशन से आपको डर लगने लग गया, पता नहीं क्या हुआ है। ये तो जनरल रीडिंग है, इतनी डिटेल तो मैं तो नहीं जाऊंगी, बट हाँ जो हो रहा है, जो इवेंट है वो अच्छे हैं, सिर्फ आप कुछ मिस कर सकते हो, मिसिंग अपॉर्चुनिटी है, कोई ऑफर आएगा लेकिन लोगे नहीं आप उसे, लेकिन फैमिली के साथ अच्छा समय है। हो सकता है 50% लोग ले लें, 50% लोग ना लें, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट ओवरऑल जो मैं देख पा रही हूँ कि फरवरी के महीने में क्या सब हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप लो या नहीं लो, इमोशनल स्टेबिलिटी मिल रही है, कोई नया पर्सन आपकी जिंदगी में प्यार लेके आ रहा है, फैमिली के साथ अच्छा समय स्पेंड हो रहा है, गेट टूगेदर हो रहा है, मैरिज में जा रहे हो, खुद की मैरिज तय हो रही है, चाइल्ड बर्थ हो रहा है, कोई हैप्पी गुड न्यूज सुनने को मिल रही है परिवार से, तो बहुत ब्लेसिंग जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रही है कार्ड्स में। लेट्स सी, अलग अलग इंडिविजुअली देख लेते हैं, लव लाइफ कैसी रहेगी मीन राशि की, मीन राशि की लव लाइफ कैसी होगी फरवरी 2023 में। एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस या कैंसर स्कॉर्पियन पाइशन को डील कर रहे हो सकते हो मीन राशि। इट सीम्स जैसा कि मैंने कहा, किसी चीज को छोड़ के जा रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ के जा रहे हो, पीछे छोड़ रहे हो किसी को, और कहीं और निकल रहे हो। दर्द हो रहा है इस चीज से, बट पीछे छोड़ने का वजह यह है कि
क्लैरिटी नहीं थी कि इसके साथ रहना है या नहीं, बट वो क्लैरिटी जो है वो आपको लेनी चाहिए इस पर्सन से या सिचुएशन से, ताकि आप डिसीशन ले सको, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग जो है वो मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में वापस से रिकन्सिलेशन होगा, या अगर कोई इमोशनल मैच चल रहा था, आप लोगों की बात नहीं हो रही थी, तो अब फाइनली बात होगी, ठीक है। एंड अगर आप सिंगल हो तो 101% आपकी शादी की बात हो सकती है, मैरिज प्रपोजल आपके पास आ सकते हैं। आपकी फैमिली के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड बनने वाला है, फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है, रिकन्सिलेशन के वाइब्स भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। आपके चांसेस हैं, अगर आप सेपरेशन में हो किसी भी सिचुएशन में, तो आपके रिकन्सिलेशन फरवरी में हो सकता है। कमिटमेंट, अगर कमिटेड हो आप लोग, सो यस, वहां पे भी मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है, हीलिंग आ रही है रिलेशनशिप में। सो अगर कोई हार्ट ब्रोकन हुआ है आपका, आपको किसी बात का बुरा लग रहा है अपने पर्सन का, तो वो चीज जो है वो रिकवर कर लेंगे, आप फिर से एक नई शुरुआत करोगे अपने पार्टनर के साथ, होपफुल रहोगे कि इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होगा, न्यू बिगनिंग्स है आपके रिलेशनशिप में। लेट्स सी आपकी प्रोफेशनल करियर लाइफ कैसी रहेगी। ओके, सो यहाँ पे एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में मिल सकती है, उसको आपको लेना है या नहीं ये कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस अपॉर्चुनिटी हो सकती है या कोई ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट आप में से कुछ लोग लेंगे कुछ लोग नहीं लेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है, ठीक है। फाइनेंसिस का ध्यान रखिए, फाइनेंसिस अच्छे नहीं दिख रहे हैं इस महीने, सो अपने फाइनेंसिस पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मुझे लग रहा है जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ये भी फाइनेंसिस की वजह से ही आ रही है, क्योंकि फाइनेंसिस अच्छे नहीं है तो आप चाहते हो बस ये हो जाए, आप कोई भी रिस्क लेना चाहते हो अपने प्रोफेशनल करियर में, सो उस समय आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको रिस्क लेना चाहिए या नहीं। आंसर भी ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये आपको सवालों के साथ छोड़ के नहीं जाऊंगी। क्या मीन राशि के लोगों को रिस्क लेना चाहिए अपने फाइनेंसिस को लेके? यस यू कैन, आप लोग ले सकते हैं रिस्क, ठीक है। आपको अच्छे जो है रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बैलेंस मिल जाएगा, आप रिस्क ले सकते हैं। हेल्थ कैसी रहेगी मीन राशि के लिए, हेल्थ कैसा रहेगा फरवरी 2023 में? ओके, सो हेल्थ जो है आपकी इम्प्रूव होने में टाइम लगेगा, मे बी आप वही मैंने पहले भी बोला था जब फोर ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ भी आई थी, मे बी हेल्थ के कुछ आपको ट्रीटमेंट लेना है बट आप उसे इग्नोर कर रहे हो, तो ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप इग्नोर करोगे तो वो डिले होता जाएगा आपका प्रॉब्लम, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। स्टूडेंट्स कहीं ट्रेवल कर सकते हैं, बिल्कुल चांसेस हैं, और अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है, नई जगह नया कुछ सीख सकते हो, या आप जिस भी पोजीशन पे अभी हो अपनी क्लास में उससे आगे जो है मुझे बढ़ते हुए आप लोग दिख रहे हो, सो बहुत अच्छी चीज है ये। ओके, सो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है मीन राशि, आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो देखिए आपका गाइडेंस तो मैंने आपको दे दिया, आप कंफ्यूज ही दिख रहे हो रीडिंग में, बाकी तो सब बढ़िया हो रहा है, सो कंफ्यूजन के लिए तो मैंने आपको गाइडेंस दे दिया है। वाओ, वेरी नाइस, इससे बढ़िया इस सिचुएशन में कोई गाइडेंस नहीं हो सकता था मीन राशि, देख रहे हैं आप। आपको कहा जा रहा है कि वो करो जो आपका ट्रेडिशन आपको कहता है, जो आपके रिचुअल्स आपको कहते हैं, बाय द बुक, जैसा आपकी पीढ़ियां, जैसा आपका समाज, जैसा आपका कम्युनिटी आपको कहता है, जैसे आपके लोगों ने, आपके पूर्वजों ने, आपके एंसेस्टर्स ने आपको सिखाया है, बस उस चीज पे चलते जाओ, अपने मॉरल वैल्यू, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करो। बाय द बुक का कार्ड मैं आपको दिखा देती हूं, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको फॉलोअर बनना पड़ेगा अपने बड़ों का, तो आपके बड़े जो आपको सिखा के गए हैं उनके फॉलोअर बनो। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगेगा नहीं मुझे किसी को फॉलो नहीं करना, मुझे तो अलग जाना है, तो फिर वो अलग में तो आप खो जाओगे इस रेगिस्तान में। तो बाय द बुक की एनर्जी यहाँ पे ये कहती है गाइडेंस में, फॉलो योर एल्डर्स, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करो। एल्डर्स भी नहीं कहना चाहिए, मैं ट्रेडिशन वर्ड यूज करूंगी, जो आपके मॉरल वैल्यू, जो आपके एथिक्स हैं उन्हें फॉलो करो, अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो। ओके, स्टेबिलिटी चाहते हो तो, ये स्टेबिलिटी चाहे आप अपने परिवार में चाहते हो, चाहे अपने प्रोफेशन में चाहते हो, चाहे आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, जो आपको सिखाया गया है, जो आपको लगता है कि ये सही है, वही बस करो,
ठीक है, अपने हिसाब से अपने रूल्स मत बनाओ और रूल्स ब्रेक तो बिल्कुल मत करो। लेट्स सी मीन राशि क्या सब मिलने वाला है आपको फरवरी के महीने में। ओके, तो बहुत कम है, आई थॉट कई बार तो बहुत ज्यादा चिट्स आ जाती है। ओके लेट्स सी, गिफ्ट तो आप में से काफी लोगों को गिफ्ट्स मिल सकते हैं यहाँ पे। हाँ भाई, फरवरी में 14 फरवरी भी आती है। वी हैव मेटीरियलिस्टिक गेन, अगेन इट्स अ काइंड ऑफ गिफ्ट कि आप कुछ मेटीरियलिस्टिक चीजों पे, गाड़ी पे, घर में किसी सजावटी सामान पे, फोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप ले लिया, आईपैड ले लिया, इस तरीके की चीजों में खर्च कर सकते हो। एंगेजमेंट, वाओ, सो आप में से काफी लोगों को एंगेजमेंट का ऑफर आ सकता है, आपकी सगाई हो सकती है या आप किसी सगाई में जा भी सकते हो। वी हैव ट्रूथ, आपको सच पता चलेंगे, आप भी किसी का सच सामने ला सकते हो। न्यू होम, आपको नया घर मिलेगा, एंगेजमेंट हो रही है तो डेफिनेटली कुछ लड़कियों को तो नया घर मिल ही जाएगा। फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं इस महीने में या आपको नए दोस्त मिले, ऐसा भी हो सकता है। लक, तो आप लकी रहोगे, जो भी काम करोगे उसमें जो है आपके हित में चीजें होंगी। मैनिफेस्टर आप अच्छे रहोगे ही इस महीने, मैंने पहले भी कहा मजीशियन की एनर्जी है, जो चाहोगे वो कर सकते हो, अच्छा चाहो सो लकी तो हो ही। सो यही मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है मीन राशि, आई होप कि आपसे रेजोनेट होंगे मैसेजेस। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, बाय बाय।